यार मेरा ना वीजा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज हो गया भाजी, मेरे तो फीस तो भरवाई नहीं, फीस तो आफ्टर वीजा गया, पर भाजी मेरे तो ना 1 लाख रुपया फंडा के नाम से ले लिया उन्हें, स्टूडेंट का ना ना कर दे, 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सत श्री अकाल जी, अज आप गल करांगे उन्हां स्टूडेंट की जो वख-वख कंसल्टेंट को जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं भी मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, पढ़ाई विच गैप पै गया है तो आयल्स विचों स्कोर भी घट ने। सो दसंबर 2021 तो बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का रुझान बहुत ही तेज़ होया स्टूडेंट का, पहला उही रुझान जिवें यूके या कैनेडा वल सी, हुण उही रुझान ऑस्ट्रेलिया वल नूं है, बहुत क्लाइंटां नूं मिलीदा रोज़, वक्रे वक्रे स्टूडेंट नूं मिलीदा, तो वक वक स्टूडेंट दे क्वेश्चन हुंदे आ। इदां दी इक वाकया मेरे नाल 2021 नवंबर एक मैनू स्टूडेंट मिलन आया, उहदी प्रोफाइल सी 2018 पास आउट, ओवरऑल 5.5 बैंड, एक मॉड्यूल चो 5 बैंड सी। सो स्टूडेंट मैनू आके पुछदा है वी भाजी मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहुंदा, तो मैं उसनू पुछया भी 2018 तो बाद की कीता है, भाजी मैं खेतीबाड़ी कीती आपदे घरदिआं नाल, तो थोड़ा जिहा एक कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, तो मैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने दसिया भी भाई साहब तुसी नहीं जा सकते क्योंकि तुहाडी वीज़ा रिफ्यूजल के चांसिस एक तो हुंदा ना भी 10-15% चांस हुंदे आ, भी 100% मैनू दिखदा पिया सीगा वीज़ा रिफ्यूज़ है। सो स्टूडेंट कहिंदा भी मैं वख-वख कंसल्टेंट कोले गया भी उन्होंने तो मैनू हाँ करती है, किसी ने मैनू कहा भी तेरा वीज़ा लग जूगा, कोई पैसे इन्ने मंग रहा, कोई इन्ने पैसे मंग रहा। सो उही स्टूडेंट मैनू हुण जनवरी च लास्ट 2-3 दिन पहला मिलन आया, भाजी यार मेरा ना वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ हो गया, तो मैं थोनों मिल के गया सी, मैनू याद भी नहीं सी उस गल बारे जिहड़ी वो मैनू आप आके दस दिया अपने जवानी भी तुसी मैनू कहा सीगा भी मेरा वीज़ा नहीं लगना, बट मैं लोगों के चक्कर च आके ना भी ये सोच बैठा भी मैनू मेरे रिश्तेदार ने कहा भी तेरा वीज़ा लग जूगा, उस एजेंट को चले जा, तो वो एजेंट तेनू भी तेरा वीज़ा लवाऊगा, पैसे भी लूगा तेरे तो वीज़े लगन तो बाद। सो गल चलती गई, उस तो बाद मैं उन्हें पूछा की होया तेरे नाल, उन्हें दसिया भाजी मेरे तो अंबैसी फीस ली, ठीक है, मैं उन्होंने पूछा भी होर तो से कुछ लिया, भाजी मेरे तो फीस तो भरवाई नहीं, फीस तो आफ्टर वीज़ा गया, पर भाजी मेरे तो ना 1 लाख रुपया फंडा के नाम से ले लिया उन्हें, तो मेरे फंड कहिंदा शो करांगे उसके पैसे लगने आ, मेरे को अपने फंड है नहीं सी। सो उस स्टूडेंट नू मिल के लग्या यार चलो उहदा वीज़ा तो रिफ्यूज़ होने वाली प्रोफाइल सीगी, बट कितें ना कितें ये चीज़ सामने आई भी फंडा के नाम से ठगी हो रही है, मार्केट च बहुत वड्डी ठगी हो रही है, हुण स्टूडेंट का ना ना कर दे, 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, टाइम भी खराब होया। सो इदां दीआं क्वेरियां बहुत आ रही हैं भी 2019, 2018, 2017 या उस तो पहला दे पास आउट स्टूडेंट जो प्लस टू कीती है, खास करके चाहे उन्होंने 6 बैंड है चाहे 5.5 है, उन्होंने वीज़े अगर तुम वोकेशनल कोर्स अप्लाई करते हो तो 100 विचों 1-2 वीज़े आ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैं दस दिते है, बट कितें ना कितें तुहाडे तो एक जरिया है मनी इकट्ठी करन दा, फंडा दे नाम ते अपनी प्रोसैसिंग फीस इकट्ठी करन दे, ओ चीज़ नू ध्यान विच रखदे होए मैं ये वीडियो तुहाडे लई बना रहा भी 2020 पास आउटों प्लस टू कीती है तो तुसी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, बट उस तो पहला जे तुसी 2019, 2018 या 2017 पास आउट नू तुहानू बंदा कोई कह रहा भी आ जाओ जी तुहाडा वीज़ा मैं लवा के दूंगा, पैसे भी वीज़ा लगन तो बाद लूँगा, तो उस अंबैसी फीस तुसीं भरनी है भी तुहाडे ते तां जुआ खेडिया जा रहा, जुआ इदां खेडिया जा रहा जिदा कि एक सुन चाहता ना भी पंजाब गौरमेंट एक स्टेट लॉटरी पाउंदी है भी 10 लॉटरियां मगर एक लॉटरी की गरंटी हुंदी है, उस तरह जे आपां 10 वीज़े अप्लाई कर देंगे तो एक अद्धा वीज़ा लग जाता, उस वीज़े नूं देख के स्टूडेंट ने विच आ जाता भी उन्हां दा तां वीज़ा लग गया भाजी तुसी तां इह कहिंदे सीगे इदां कहिंदे सीगे, इस चीज़ नूं देखदे होए ना वीज़ा अप्लाई करो भी एक दा वीज़ा लग गया, बट उहदे अगर पिछे ये देखो भी 9 जिंदगियां खराब होईयां ते 9 जिंदगियां मगर एक वीज़ा लगा, तो रब दा वास्ता 2019 दियां इस तों पहलां तुसी प्लस टू कीती हुई है ऑस्ट्रेलिया दा वीज़ा नहीं लगना,
ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਨੇ 2020 ਜਾਂ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2020 ਜਾਂ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2020 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 19-18 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।